यह आग की जीवंत लपटें आप देख रहे हैं जो मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र की है। इस वक्त की बिहार की यह बड़ी खबर है जहां भीषण अग्निकांड की घटना हुई है। मुजफ्फरपुर जिले की यह खबर आ रही है। हथा थाना क्षेत्र के हथा खनुआ गांव की यह घटना है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पूरी बस्ती सौ परिवारों की जलकर राख हो गई है। पीड़ित परिवारों के स्वजनों का बताना है कि सबसे पहले नंद किशोर शाह उर्फ बाबाजी शाह के घर में भीषण आग की लपटें उठी। इसके बाद रामप्रीत शाह, दिनेश शाह, देवेंद्र शाह, राजेश शाह सहित तकरीबन तीन दर्जन घरों को देखते ही देखते आग की लपटों ने स्वाहा कर दिया। आग की इस भयावह तस्वीरों को देखकर आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यह अग्नि हादसा हुई और यहाँ कैसे तांडव मचते रहे। तकरीबन ढाई से तीन घंटे तक अग्नि तांडव मचती रही। इस दौरान लगातार रह रह कर आग भड़कती रही। अफरा तफरी का माहौल बना रहा। शुरुआती घर में आग लगने के साथ ही सबसे पहले गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का बताना है कि तकरीबन आधा दर्जन गैस सिलेंडर एवं घरों में रखे बांस बल्लों की गिरह आदि विस्फोट करते रहे। इसके बाद आग लगातार भड़कती रही। अग्निकांड की घटना में कई बाइक, साइकिल आदि भी जल गई। बीच बचाव के दौरान कई लोगों की आग के लपटों में झुलसकर बीमार होने की चर्चा है। हालांकि इस दौरान किसी के जानमाल के नुकसान की अब तक सूचना नहीं है, लेकिन तकरीबन पूरे घटनाक्रम में करीब 70 लाख से ज्यादा की परिसंपत्तियों के जलकर राख होने का अनुमान है। गाड़ी जल गया है, कौन सा गाड़ी था? दूसरे का गाड़ी रखा हुआ था, इसमें जल गया। बाहर की गाड़ी लगा था, दूसरे के यहां आग लगा, दूसरे के यहां। पहले किसके घर में आग लगा था? बोलता इसका क्या नाम है हमको नहीं पता। आप किसके? पड़ोसी के घर में। पड़ोसी के घर में उसके बाद आपके भी घर में लग गया। पूरा सब गुजर के राख हो गया, जितना सामान उमान, मोबाइल तोबाइल, पैसा कभी गाना, कुछ नहीं बचा सके। नहीं कुछ नहीं, बच्चा के खोजने के चक्कर में कुछ नहीं बचा सके। डर लग के गोली उड़ी सब जल पूरा समाप्त हो गया, राख हो गया सब। घटना में आग की लपटें तब तक भड़कती रही जब तक कि पूरी बस्ती जलकर स्वाहा नहीं हो गया। पीड़ित परिवार की महिलाओं का बताना है कि घटना में उसके कपड़ा, बर्तन, जेवर, खाने पीने एवं रखने का अनाज, सामान, नकदी, जलावन कुछ भी नहीं बचा। पूरी तरीके से वे लोग घटना के बाद से खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। कितना घर जल गया होगा? 35 घर। कैसे आग लगा है? कितना देर से आग लगा हुआ है? कौन सा जगह जहाँ पर आग लगा है? कौन सा जगह जहाँ पर आग लगा? एक तरफ अग्निकांड की घटना हो रही थी, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के तकरीबन आधा दर्जन महिलाएं एवं बच्चे बच्चियां घटना को लेकर बदहवास तरीके से चीख चिल्ला रही थी। तीन महिलाएं रह रहकर अचेत हो रही थी। घर के बड़े बुजुर्ग सदमे में नर्वस थे। विचित्र एवं भयावह स्थिति बनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का यहां बताना है कि नंद किशोर शाह के घर में बच्ची चूल्हा पर खाना बना रही थी। इसी दौरान आग की चिंगारी भड़क गई और घर में आग लग गया। देखते ही देखते यह आग फैलता चला गया। लोगों का बताना है कि घटना के दौरान प्रायः घरों के लोग या तो पास के खेत खलिहान में थे, संध्या का समय एवं हाट का दिन होने की वजह से शाम के समय में लोग हाट भी गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही जो जहाँ था वहीं से दौड़ता रहा। पहले आसपास के ग्रामीण जुटे, बाद में अंतर जिला क्षेत्र के इलाकों से लोगों की भीड़ जुट गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर जिला के बॉर्डर क्षेत्र से सटा हुआ यह गांव है। सड़क पर जाम लग गया। तकरीबन डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पीड़ित परिवार के स्वजनों एवं पड़ोसियों के द्वारा चापाकल एवं नल से बाल्टीन के सहारे आग पर तत्काल काबू पाया जा सका। बाद में गायघाट, सकरा आदि प्रखंडों से दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। तकरीबन आधा दर्जन दमकल गाड़ियां यहां पर भेजी गई। हथा थाना की पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच गई। घटना की सूचना बंदरा अंचल एवं जिले के अधिकारियों को भी दी गई। क्षति के आकलन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम को लगाया गया है। अफरा तफरी पूर्ण माहौल की वजहों से पीड़ित परिवारों का सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ सका है। इसी में लग गया। सबसे पहले किसके घर में लगा था? शिवजी शाह के घर में, उसके बाद बाकी सब घर में। एक कौन सा जगह जहाँ पर आग लगा हुआ है? खलुआ टोला में, सावजी टोला। सावजी टोला। कितना देर से आग लगा हुआ है? लगभग आधा एक घंटा हो गया। हमको कुछ बचा नहीं है लगता है। कुछ नहीं बचा। जान माल का भी नुकसान हुआ है? जान माल के नहीं, हमारी खाली संपत्ति जल गया। सिलेंडर विस्फोट भी हुआ? बहुत ज्यादा। कै गो विस्फोट हुआ? चार गो, पांच गो आवाज किया।
गाड़ी उड़ी भेजल गया, मोटरसाइकिल बोला है कि मोटरसाइकिल, पूरा टोला साफ हो गया। हाँ, पूरा कौन सा टोला बोले हैं? सावजी टोला, टोला है, सावजी टोला, खनवा टोला, सावजी टोला। कौन टोला हुआ है ये जहाँ पर आग लगा है? खनवा टोला है। खनवा टोला, कैसे आग लगा कुछ पता लगा? कितना घर जल गया होगा? ग्रामीणों के अनुसार तकरीबन 30 से 35 घर जलने का अनुमान है। आप देख पा रहे हैं कि स्पॉट पर क्या स्थिति है। ए टू जेड न्यूज लाइव की टीम सबसे पहले तत्काल यहां पर पहुंची। जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अग्निकांड की। इस घटना को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आग ने यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मचाया और किस तरीके से पीड़ित परिवार के लोग अपने आप को संभाल रहे थे और आग पर काबू पाने का प्रयास भी कर रहे थे। इस दौरान लोगों की भीड़ जुटी हुई थी, लोगों की भीड़ लोगों को पीड़ित परिवार के महिलाओं को ढांढस भी बंधा रही थी, लेकिन नजरों के सामने एक एक कर उनके घर का तिनका कैसे जलता रहा यह तस्वीर आप लाइव रूप से एक्सक्लूसिव ए टू जेड न्यूज लाइव पर देख पा रहे हैं।